आगरा नशाखोरी का अड्डा बन चुका है। नकली दवाएं सहित शराब और अफीम चरस नशीली पदार्थ की तस्करी जनपद से की जा रही है। माफिया अन्य राज्यों से लाकर यहां नशीले पदार्थ को ठिकाने लगाते हैं। विगत दिनों अवैध नशीले पदार्थ सहित अवैध शराब की खेप भी पकड़ी जा चुकी है। आगरा अब नशाखोरी का अड्डा बन चुका है। नकली दवाएं सहित शराब अफीम चरस नशीला पदार्थ की तस्करी जनपद से की जा रही है। माफिया अन्य राज्यों से लाकर यहां नशीले पदार्थ को ठिकाने लगाते हैं। विगत दिनों अवैध नशीले पदार्थ सहित अवैध शराब की खेप यहां पकड़ी गई है। मथुरा में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स आगरा जोन व पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीमों की संयुक्त कार्रवाई से 8 गांजा तस्कर पकड़े गए हैं। इनके पास से 75 किलो 370 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अभी आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में 17 जुलाई से 26 जुलाई तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के लिए आदेश जारी हुआ है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश निर्गत किया गया है। इसी क्रम में जनपद में 13 आबकारी निरीक्षकों की पुलिस प्रशासन और जीएसटी और आबकारी की संयुक्त टीम बनाई गई है, जो सतत रूप से कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा अवगत कराना है कि 16 तारीख को कुबेरपुर कट में जो नोएडा एक्सप्रेस वे आगरा होकर के आता है रास्ता, उसके कट पे एक मिनी ट्रक खड़ी थी, जिसमें हमारी टीम वहां पे रोड चेकिंग कर रही थी, जिसको देख करके उसका ड्राइवर उतर करके भागा। संदेह के आधार पर उस ट्रक को खोला गया, तो उसमें त्रिपाल के अंदर जब उसको देखा गया तो अन्य सामान के साथ साथ में उसमें 188 पेटी अवैध विदेशी मदिरा की बरामद हुई थी। उस शराब का जब डिटेल उसका अध्ययन किया गया, रैपर वगैरह सब देखा गया, तो ये पता चला कि पंजाब के जो है फेज 1 फेज 2 से चंडीगढ़ के वहाँ से अन्य डिस्ट्रिक्टों से वो सारी मदिरा लग करके आई थी। और उसके साथ में कानपुर में किसी एक दुकान का फर्जी ईवे बिल था, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो चंडीगढ़ से शराब लेकर के वो बिहार के रास्ते से, बिहार में ड्राई है। पहले ऐसे तमाम प्रकार पकड़े गए हैं जो यूपी होकर बिहार जाने के थे, तो इन आधार पर उस वाहन स्वामी के विरुद्ध में, अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध में और जिन कंपनियों से शराब आई थी उन कंपनियों के जो अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, उनके नाम पर थाना हर पर्वत में, सॉरी थाना खंडौली में उन पे अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। वहीं आबकारी आयुक्त के निर्देश पर शराब तस्करी के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जनपद की आबकारी टीम अपने अपने क्षेत्र व हाईवे पर वाहनों को चेक कर रही है। विगत दिनों आगरा आबकारी टीम ने बड़ी मात्रा में एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान अवैध शराब की खेप को पकड़ा था। आबकारी टीम ने 178 हरियाणा मार्का की अवैध शराब की पेटी जब्त। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी नीरज द्विवेदी का कहना है कि यह कार्रवाई जारी रहेगी। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।